हेलो फ्रेंड मैं शीतल एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेदर इंडस्ट्री एंड डायमंड बिड वर्क एंड इनेमल वर्क के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया में एनिशियन टाइम से ही लेदर इंडस्ट्री भी एक प्रोमिनेंट प्लेस पर रहा है तो इसमें क्या होता था कि जो डेड एनिमल्स की स्किन होती थी उसको ट्रेडिशनल मैनर से उस पर एक प्रोसेस किया जाता था और फिर उससे अलग अलग वस्तुएं जैसे कि बैग फॉर फैचिंग वाटर मतलब जिसमें हम हॉट वाटर या कोल्ड वाटर भर के हमें जिस यूज़ के लिए उसे यूज़ करना होगा वो कर सकते थे फिर ढोलक ड्रम तबला ये सारी वस्तुएं बनाई जाती थी फिर ब्लैक स्मिथ के भी कुछ इक्विपमेंट बनते थे फिर फुटवेयर एनिमल के लिए लेदर बेल्ट और वॉर के दौरान पहनने के लिए कवच भी बनाए जाते थे साथ ही साथ निटिंग की हुई राजस्थानी मोजड़ी शूज एंड लेदर की निटिंग की हुई पर्सेस बेल्ट एंड अदर थिंग्स जैसे कि कैमल एंड हॉर्स के उपयोग में आने वाली वस्तुएं भी बनाए जाते थे मन बिड वर्क एंड इनेमल वर्क इंडिया के तीनों डायरेक्शन में मीन्स ईस्ट वेस्ट एंड साउथ साइड सी होने के वजह से इंडिया की जो कॉस्ट लाइन है वो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर लॉन्ग है और यही एक बड़ा रीज़न है कि इंडिया में बीट्स एंड डायमंड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं एंड बीट एंड डायमंड का जो ट्रेड है वो अदर कंट्रीज़ के साथ भी सी रूट से ही होता रहा है और फॉरेन कंट्रीज में भी एनिशियन टाइम से डायमंड की बड़ी डिमांड रही है जिसमें कोहिनूर एंड ग्रेट मुगल डायमंड बहुत फेमस रहा है जो जो कि सिर्फ इंडिया में ही मिलता था तो इसी तरह इंडिया में डायमंड बीड ज्वेलरी की ग्रेट डील होने की वजह से रिच पीपल मतलब जो एकदम अमीर लोग थे वो गोल्ड ऑर्नामेंट से बेटर डायमंड ज्वेलरी को पहनना पसंद करते थे तो इसी तरह डायमंड एंड बीड आर्ट कुछ आर्ट uh, भी इंडिया में प्रोमिनेंट प्लेस पर रहा है तो बीड वर्क की बात करें तो uh, गुजरात में बीड uh, वर्क गुजरात में फेमस रहा है जो जिस तो जिसमें कौन कौन सी वस्तुएं आती तो तोरण फिर डोर एंड विंडोज़ के जो तोरण होते वो चकड़ा फिर सेरेमनीज में यूज़ करने के लिए जो हम डेकोरेटिव कोकोनट यूज़ करते हैं वे साथ ही साथ एनिमल के बैक कवर फिर बुलक के हॉर्न्स पर भी आपने देखा होगा कुछ डेकोरेटिव किया हुआ होता है एंड माउथ पर भी कुछ डेकोरेटिव सा बीड वर्क के साथ लगाया जाता है ये सब नीटिंग मतलब इन सब में नीटिंग किया जाता था तो इंडिया हैज़ बिन लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी डायमंड वर्क एंड बीड वर्क के साथ साथ इनेमल वर्क में भी तो इसी तरह इंडिया हैज़ बीन अ लीडिंग कंट्री इन डायमंड ज्वेलरी बीड वर्क एंड साथ ही साथ इनेमल वर्क मीन्स भरत काम के लिए भी इंडिया में कुछ एक्सपर्ट्स रहे हैं तो इनेमल इनेमल वर्क हमें कहाँ देखने मिलता है तो गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स में जो ब्राइट कलर जैसे कि रेड एंड ग्रीन स्टोन से जो भरत काम किया जाता है वही इनेमल वर्क होता है साथ ही साथ रिंग बैंगल्स ईयर चेन में भी हम ये सब देखने मिलता है तो ऐसे ही इनले एक्सपर्ट स्पेशली हमें जयपुर दिल्ली लखनऊ वाराणसी एंड हैदराबाद में देखने मिलते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय